मैं श्यामल बसन प्रेसिडेंशियल चेतना मंच आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेट की जितनी भी SC ST OBC मनियाटी कम्युनिटी की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से की जा रही है। हमारे बीच में सीनियर एडवोकेट एडवोकेट कादमी साहब बैठे हुए हैं, कॉमरेड सुखदेव जी हैं और बाकी डिफरेंट जितनी भी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के हमारे सदारत जी हैं, जितनी भी सारी SC ST OBC मनियाटी की है जो ऑर्गेनाइजेशन है, आज ये रोष प्रकट करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जो कि हमारी निशा बेटी हाथरस के अंदर जिसका रेप हुआ, रेप के बाद उसकी उसकी कमर तोड़ दी गई, उसकी जबान काट दी गई, उसकी गर्दन तोड़ दी गई और जहां तक ही नहीं आदित्यनाथ जोगी के ऑर्डर पर उसकी डायरेक्शन पर ये जो DM हाथरस है उसे भी जो हमारा परिवार था, जो उसका मिलिशिया का परिवार था उनको दबकाया गया और उनको लास्ट जो राइट्स होते हैं वो भी नहीं करने दिए गए। इससे ज़्यादा ज्यादती की पूरी दुनिया के ऊपर कोई मिसाल नहीं आपको मिल सकती है। आखिर क्या चाहते हैं आदित्यनाथ जोगी, क्यों ऐसा कर रहे हैं? एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर उसकी चिता भी ठंडी भी नहीं हुई तो बलरामपुर में दूसरी लड़की के साथ रेप हो जाता है और उसको भी रातों रात जला दिया जाता है। बताएं यार कहां गया तुम्हारा ये प्रेम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज बेटियां इनसे बचानी पड़ रही है, इन दरिंदों से जो कि आदित्यनाथ जोगी के पाले हुए हैं, आज बेटियां उनसे बचानी पड़ रही है। सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहूंगा माननीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, अरे इतना हाथ खड़े हो गए आपके, इतने मजबूर हो गए आप कहते हैं कि मुझे गोली मारो, दत्तों को गोली मत मारो। अरे ऑर्डर दो ना, क्यों नहीं ऑर्डर देते? यूपी में ऐसा लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम ही ना हो, क्यों मजबूर हो गए हैं? क्यों उनका मुंह नहीं खुल रहा है? क्यों आज जो हमारे होम मिनिस्टर हैं क्यों उनका मुंह नहीं खुल रहा है? योगी आदित्यनाथ का मुंह क्यों नहीं खुला है? क्योंकि वो प्रोटेक्ट करना चाहता है उन दुरिंदों को। अरे कहां तक बर्दाश्त करेंगे ये मुल्क, जिस मुल्क के मूल निवासी कहां तक इसे निवास करेंगे, इसे बर्दाश्त करेंगे? अभी वो वक्त आ गया है, अभी मत मजबूर करो 2 अप्रैल 2018 को रिपीट करने के लिए। ये भी जो भी देश के अंदर हालात बनेंगे, अरे कहीं भी किसी भी मुल्क में चले जाओ इतनी जो हमारे साथ बेइंसाफी कहीं नहीं मिलेगी। अरे किसी अगर कोई चाहता है मुझे रख लो गोली मार देते हैं, बाबा साहब की रिंग रोड बैठी है गोली मार देते हैं। अरे दूल्हे कहीं घोड़ी पर चढ़ने की क्या हक रखता है? जैसे आपने देखा कासगंज में एक बाप ने इजाजत ली, हाईकोर्ट से ऑर्डर लाया, DM से कहा किसी ने नहीं और 350 लोग उसके साथ प्रोटेक्शन के लिए पुलिस गई, तब जाकर वो घोड़ी पर चढ़ा। जब जिस मुल्क में ये हालात हो तो फिर BJP का प्राइम मिनिस्टर ये बोले कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, अरे कहाँ है विश्वास, कहाँ है किसका साथ? आज बेटियां जिस तरह से जलाई जा रही, जिस तरह से जेल कर रेप हो रहा है, छरेआम रेप हो रहा है, 2014 से लेकर यह आंकड़ा कहीं का कहीं पहुंच गया। आज हमारे मुल्क को लोगों को ये संतरा होगा, इसका कारण क्या है और इसका समाधान क्या है? आइए समाधान की ओर जाएं, इसके कारण की ओर जाएं। बलि भांति जानते हैं इसका कारण क्या है। बड़े फुसलाकर बड़े वादे देकर, तब तो OBC जो तब तो प्राइम मिनिस्टर कहता मैं भी OBC हूं, अगले 10 साल अभी OBC के साथ कोई ऐसा वो नहीं हो सकता। अरे क्या कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जब से ये धारा 370 टूटी है जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज आपने देखा है GMC के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है और करने वाला पीछे कौन बैठा है, साजिश किसकी है? लेकर जो छिकाना शिकार बनाया है वो डॉक्टर दीपू को बनाया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट को बनाया है। अरे क्यों इस बात को सामने लाते, करोड़ों रुपए का स्कैंडल हुआ है, जो आपके वेंटिलेटर खरीदे हैं वो उसके साथ कंपैटिबल ही नहीं है, गैस प्लांट के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। अरे क्यों उस स्कैंडल को सामने क्यों नहीं लाता, फाइनेंशियल कमीशनर क्यों इसे सामने लाता? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल कमीशनर अतर डुल्लू है, ना के कोई और, क्यों नहीं सामने लाता इस बात को जो स्कैंडल हुआ है? अरे किसने परचेज किए हैं वो 25 लाख की जो 38 जो उन्होंने दिए हैं वेंटिलेटर दिए हैं जो कंपैटिबल ही नहीं है, और जो ऑक्सीजन गैस कंसंट्रेटर है
15 लीटर चाहिए वो उसकी नहीं है, उससे भी हमारे पेशेंट मर रहे हैं। सफाई व्यवस्था की वह बात करें, किसने करें, डॉक्टर्स ने करना है, ये उसने एडमिनिस्ट्रेशन ने देख रहा है। और जहां पर फाइनेंशियल कमीशन जो फेल हो गया है अपनी खामी को छिपाने के लिए, अपनी खामी को छिपाने के लिए उन्होंने डॉक्टर का बलि का बकरा बना दिया। वो आज मैं दोबारा ये बात करना चाहूंगा, मत मजबूर कीजिए 2 अप्रैल 2018 के हालात पैदा करने के लिए। जब भी जब आ